by writing and also without writing, how many beats do they have together? तो दोनों के पास टोटल कितने बीट्स हैं ये हमें ऐड करके लिखनी है। तो सबसे पहले है रीमा और सोनू, इन दोनों ने मिलकर के टोटल कितने बीट्स लिए। तो रीमा के पास टोटल 17 बीट्स हैं और सोनू के पास टोटल 35। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस और टेंस लिखेंगे। तो ये जो है हमारा नेकलेस वाला कॉलम, ये है हमारा टेंस कॉलम, और ये जो बीट्स वाला कॉलम है ये है हमारा वंस का कॉलम। ठीक है, तो 17 हमें पता है, 17 इज इक्वल टू 110 एंड 7 वंस। तो टेंस वाले कॉलम में हम कितना लिखेंगे, 1, और वंस वाले कॉलम में कितना लिखेंगे, 7, क्योंकि टोटल 7 वंस है। ठीक है, और ये जो टेंस वाला कॉलम है यहाँ पर, ये हमारा नेकलेस वाला कॉलम भी है, क्योंकि एक नेकलेस एक 10 के बराबर होती है और वंस एक 1 एक लूज बीट के बराबर है। ठीक है, तो जो टेंस वाला कॉलम है ये हमारा नेकलेस वाला कॉलम है, और जो वंस वाला कॉलम है ये हमारा लूज बीट्स वाला कॉलम। तो नेक्स्ट है 35, तो 35 जो है इट इज इक्वल टू 3 टेंस एंड 5 वंस। तो 3 टेंस एंड 5 वंस जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 3 नेकलेस है और 5 लूज बीट्स हैं। तो टेंस के जगह पर हम लिखेंगे 3, वंस के जगह पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, जिसका मतलब ये भी है कि टोटल 3 नेकलेस है और 5 लूज बीट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम लूज बीट्स को ऐड करेंगे, तो ये हमारा लूज बीट्स है, तो विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 5। तो 7 प्लस 5 जो होता है इट इज़ इक्वल टू 12। तो 7 प्लस 5 अगर हम सबसे पहले ऐड करें, तो 12, अब हमारे पास टोटल 12 लूज बीट्स आ गए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो जितने हमारे पास लूज बीट्स आए हैं हम देखेंगे कि क्या उन लूज बीट्स का इस्तेमाल करके क्या हम एक नेकलेस बना सकते हैं। एक नेकलेस को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें 10 लूज बीट्स चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 लूज बीट्स हैं। तो 12 में से 10 लूज बीट्स को यूज़ करेंगे और एक नेकलेस बनाएंगे। तो 12 लूज बीट्स को यूज़ करके हम एक नेकलेस बनाएंगे, तो 12 इज इक्वल टू 1 नेकलेस। एक नेकलेस हमने बनाया, और हमारे पास कितने, और हमारे पास कितने लूज बीट्स बच गए, तो 12 में से 10 का यूज़ करके हमने एक नेकलेस बनाया, तो टोटल जो लूज बीट्स बच गए वो हो गए 2। तो सबसे पहले एक जो नेकलेस हमने बना लिया उसे हम नेकलेस वाले कॉलम में ऐड करेंगे। तो उसे याद रखने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा 1 लिखते हैं, क्योंकि हमने एक नेकलेस बनाया, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा 1 लिखते हैं याद रखने के लिए कि हमने एक नेकलेस बनाया यहाँ पर। और लूज जो वंस वाला जगह है, जो लूज बीट्स है वो कितने बच गए हमारे पास फाइनली, तो लूज बीट्स हमारे पास 2 बच गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट अब हम नेकलेस वाला कॉलम काउंट करेंगे, टोटल कितने नेकलेसेस हैं, तो इट इज़ 3 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5। तो टोटल हमारे पास जो हो गए वो हो गए 52। तो रीमा और सोनू दोनों के पास टोटल 5 नेकलेसेस हैं और 2 लूज बीट्स हैं। तो रीमा और सोनू के पास टोटल 52 बीट्स हैं। जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 52। नेक्स्ट है आरिफ और राजिया। तो आरिफ ने टोटल 24 बीट्स लिए थे, राजिया ने टोटल 12 बीट्स लिए थे। तो हम फिर से यहाँ पर सबसे पहले वंस और टेंस लिखेंगे। तो नेकलेसेस जो हैं हमारे वो हैं हमारे टेंस, और जो लूज बीट्स वाला कॉलम है वो है वंस। तो 24 इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 4 वंस, इसलिए टेंस के जगह पर हमने 2 लिखा है और वंस के जगह पर 4। और 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस, इसीलिए टेंस के जगह पर हमने लिखा है 1 और वंस के जगह पर हमने लिखा है 2। अब हमें टोटल ऐड करना है और टोटल आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लूज बीट्स को ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 होता है 6।
तो डायरेक्टली यहाँ पर सिक्स लिखने से पहले हमें देखना होगा कि क्या हम एक नेकलेस बना सकते हैं लूज बीड्स को यूज़ करके। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास सिक्स लूज बीड्स हैं और एक नेकलेस बनाने के लिए हमें चाहिए टोटल 10, हमें टोटल 10 लूज बीड्स चाहिए। तो हमारे पास टोटल उतने लूज बीड्स हैं नहीं कि हम एक नेकलेस बना सकें, तो हम नेकलेस नहीं बनाएंगे। जितना हमारा आंसर आया उसे डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे, तो 4 + 2 हो गया 6, ठीक है। और टोटल नेकलेसेस, अब चूंकि कोई एक्स्ट्रा नेकलेस नहीं बना, तो कितने टोटल नेकलेसेस हैं अभी हमारे पास, जितने नेकलेस पहले से हमारे पास थे, तो 2 और 1, अब नेकलेसेस को ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। टोटल हमारे पास हो गए 36। तो आरिफ और राजिया के पास 3 नेकलेस टोटल और 6 लूज बीड्स हैं, तो उन दोनों के पास टोटल कुल मिलाकर के 36 बीड्स हैं।